पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम कौन हो? मैं उनकी पत्नी। तुम तो वो मीटू वाली हो ना? देखा मैंने टीवी पे कैसे अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। देखो निकलो यहाँ से, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारा पति किसी भी एंगल से शरीफ तो नहीं लगता। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाती हो यहाँ से या पुलिस बुलाऊं? तुम्हारे पति ना एक 19 साल की लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, उसकी फोटोज लेके उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तुम पुलिस बुला रही हो कि हम बुलाएं पुलिस? मैं नहीं जानती थी कि मयंक शादीशुदा है। ऑनेस्टली ये तो और भी बड़े शौक की बात है, क्योंकि मयंक का अफेयर उस लड़की के साथ कई महीनों से चल रहा है। उस लड़की की फोटोज हैं उसके पास, इसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे होटल रूम में बुलाया और सालों से मयंक आराधना को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और आज आराधना उस लड़की को बचाने के लिए ही मयंक से मिलने गई थी होटल ग्रीन अशोक में। मयंक ने तो मुझे कहा था कि वो पुणे जा रहा है किसी मीटिंग के लिए। झूठ बोला उसने। सालों पहले मैं तो उसके चंगुल से बच गई, पर ये लड़की क्या किया है मयंक ने? क्या हुआ वहाँ पे? Just tell me, please. I can understand आप कैसा फील हो रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मुझे भी इतना ही बुरा लग रहा होता, इतना ही अजीब लगता। पर आज उस जैसी कई लड़कियों को हम बचा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं तो इसका अंत होगा ही ना। सही कह रही हो तुम, कहीं तो इसका अंत होना ही है। धोखा दिया, वो भी मेरी माँ की तरह निकली, ये भी धोखेबाज निकली। आप मयंक को कॉल कर रहे हो? नहीं, उसे नहीं, पुलिस को। What? पुलिस को क्यों? क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आ गई हो अपनी कहानी लेकर और कह रही हो नहीं नहीं मुझे नहीं, किसी और को बचाना है। नए नए राग अलाप रही हो। Please. तुम्हारी सच्चाई तो आज टीवी पर सबने देखी है। अब मेरे पति को फंसाना चाहती हो? मिस आराधना सानी, मयंक ने मुझे सब बता दिया है तुम्हारे और उसके बारे में। तुम्हें क्या लगा था कि मयंक मुझसे बातें छुपाता होगा? बीवी हूँ मैं उसकी। ओके, बाबा रुक जाइए, रुक जाइए। मतलब आपको? हाँ पता है मुझे, मुझे सब पता है कि तुम कैसे मयंक के पीछे पड़ी थी, उसे कनाडा जाने से रोक रही थी। दो चार दिन मयंक ने तेरे साथ हंस बोल के लिया, कॉलेज के बाद कॉफी पी ली तो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो गया। बड़ी बेशरम हो यार तुम। हमारी शादी हो गई, हम कनाडा चले गए, उसके बाद यहाँ आज वापस आए तो तुम यहाँ आ गई। तुम्हें क्या लगा था कि इतने लंबे रिश्ते में मयंक ने मुझे बताया नहीं होगा तुम्हारे बारे में? कैसे तुम उसके प्यार में पागल हो गई थी, जहर वहर खाने की धमकियां देती थी उसे। What rubbish? ये मयंक तो बड़ा स्क्रिप्ट राइटर निकला, बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इसे अपने ऑफिस में नौकरी पे क्यों नहीं रख लेते? तुम्हारी दोस्त जैसी लड़कियां ना ऐसे ही लड़के पटाती हैं। पूजा बात कर लेते हम लोग। आपको लग रहा है कि मैं झूठी? हर लड़की झूठी। अरे कम से कम मयंक और मैं एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, जॉब करते थे, और वो सेम एज के थे, सिंगल। अब तो वो शादीशुदा है ना, तो फिर क्यों फंसा रहा है इस लड़की को? उसके फोटोज है उसके पास, उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो। क्यों कर रहा है? मैंने रेवती का फोन देखा है, मयंक की सारी चैट पढ़ी है मैंने, प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। ओह रेवती, उसको भी ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। पीछे पड़ गई है मेरे पति के, रोज मैसेजेस करती है, पर मयंक ने कभी उसे घास नहीं दी। ओके, अरे डांसर लड़की है, एक कॉर्पोरेट फंक्शन में मिल गई और पीछे पड़ गई। तुम्हारा पति नहीं हो गया कोई ऋतिक रोशन हो गया कि सारी लड़कियां उसी पे पागल हुए जाए? ए जो तुम तीनों यहाँ पर आकर मुझे भड़का रहे हो ना, मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। अभी पुलिस को फोन करके बताती हूँ कि अकेली लड़की को घर पर आकर धमका रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और तुझ पे विश्वास करेगा कौन?
तेरी सच्चाई तो आज सबने टीवी पर देख लिया। पार्टू भी आने वाला है क्या? इसीलिए ये सब कर रही है, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तू तो अब कहीं की नहीं रही। तो चलो दूसरा बंदा पटा लेते। हेलो सर, रेयान सर बुरे हाल में है, यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका लेके रखा है क्या रियांश का? मैं अभी उसे और नहीं संभाल सकता। और आप प्लीज किसी को ढूंढ लीजिए जो उसे हैंडल कर सकता है, ठीक है? मैं यही तक सही था, बाय। विक्रम, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। नहीं आराधना, इट्स ओके, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। ओ ड्रामा कंपनी, चलो निकलो यहाँ से। पीछा छोड़ो अब मेरा, वरना ऐसा करारा जवाब दूंगी ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम। अब निकल रहे हो तुम लोग कि धक्के मार के निकल। ओ मैडम, तमीज से। आज आपके पास मेरे खिलाफ मोरालिटी का झंडा है तो आप लहरा रही हैं। पर एक बात याद रखिएगा, आप जैसी औरतों की वजह से ही ऐसे आदमी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। आपने उसके हर झूठ पे बिलीव किया, उसे शह दी। प्रूफ है मेरे पास उसके खिलाफ। बहुत जल्दी आपकी आंखों पर जो ये पर्दा है ना, इसे मैं हटाऊंगी। अरे जाओ जाओ, पहले अपना नाम साफ करो, फिर मेरे हस्बैंड की फिक्र करना। मुझे अगर रोका नहीं होता ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देती आज, मैं बता रही। रिलैक्स। क्या रिलैक्स, कुछ भी बोले जा रही थी वो। समझती क्या है अपने आपको, जो मर्जी वो बोलेगी। हाउ शी वाज टॉकिंग टू यू। मुझे तो सीरियसली लग रहा है तुम उसको मारने वाले थे लिटरली। तुम तो कुछ बोले मत, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं वहां पे। अरे तू जा आगे बैठ। आई थिंक मेरी रिंग वहां छूट गई है गाइस, मैं लेके आती हूँ, तुम लोग अंदर बैठो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तू यही रुक इसके साथ, मैं लेके आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है अंदर जाओ, बैठ जाओ। चलो क्या किया रेयांश ने ऑफिस में? वही जो हमेशा करता है, सारी दुनिया पे अपना गुस्सा निकालता है। मुझे ऑफिस लेके चलोगे प्लीज? क्या आराधना तुम पागल हो गई हो क्या? क्या अगर रेयांश वहां हुआ तो? ऑलरेडी तुम पूरा दिन इतना सफर कर चुकी हो यार। मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए विक्रम, उस लैपटॉप में मयंक के सारे मैसेजेस हैं, सबूत है उसकी ब्लैकमेलिंग का। आई नीड दैट लैपटॉप। या मयंक, तुम दो तीन दिन अभी घर मत आना, मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी आसानी से मानेंगे। बट डोंट वरी, मैंने संभाल लूंगी। मैंने आपके दर्द को महसूस किया है रेयांश, मगर मैं सोचती थी कि मेरा प्यार आपके दर्द को कम कर देगा, पर आपको मोहब्बत है, अपने इस दर्द से मोहब्बत है। गलती मैंने आपसे प्यार करके नहीं की, गलती मैंने यही सोच के की कि मेरा प्यार आपको बदल देगा। मैं भी उन लड़कियों की तरह स्टूपिड निकली जो समझती हैं कि प्यार काफ़ी होता है, पर लव इज़ नॉट एनफ रेयांश। आपकी नफरत, आपके गुस्से को ख़त्म करने के लिए सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है। मेरे पास उसके खिलाफ। बहुत जल्दी आपकी आंखों पर जो ये पर्दा है ना, इसे मैं हटाऊंगी। मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए विक्रम, उस लैपटॉप में मयंक के सारे मैसेजेस हैं, सबूत है उसकी ब्लैकमेलिंग का। ओह नो, इसी लैपटॉप पे तो मैंने मयंक और रेवती के सारे कॉल, सारे चैट्स डाउनलोड किए थे। ये तो सबूत था कि मयंक झूठा है और रेवती को ब्लैकमेल कर रहा है। ओह गॉड रेयांश, ये क्या कर दिया आपने? मैं कैसे अपनी माँ बाप की नजरों में अपने आप को बचाऊंगी? आपने हर रास्ता बंद कर दिया मेरा रेयांश। आप प्यार के लायक नहीं हो, आप सिर्फ नफरत कर सकते हो। तेरा
प्लीज सेव मी, दर्द हो रहा है यार, मुझे इस दुनिया से बचा लो, तो साथ ले चलो। मैं प्यार करना चाहता हूँ तुमसे, प्यार करना चाहता हूँ, तो मुझे कभी छोड़ के तू नहीं जाओगी ना? कभी। डायनामिशा कहते हैं कि जब भी खुशी मिले ना उसे दोनों हाथ से पकड़ लो और कभी जाने मत। कैमरा ऑन रह गया था। मैं ये चिपका नहीं लेके जा सकती, आप इसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आई ट्रस्ट। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।